नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव पर राइस न्यूज खास सीरीज चला रहा है, जिसमें ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर भावी प्रत्याशियों के साक्षात्कार दिखाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले की खरसंडा पंचायत, जहां से रामबाबू यादव भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। रामबाबू यादव कहते हैं कि अगर पंचायत के लोगों ने उन्हें मुखिया बनाया तो वो पंचायत के विकास को नई गति देंगे। नमस्कार, मैं हूँ रुपेश कुमार, राइ न्यूज में स्वागत है आपका। आज हम पहुँचे हैं सिवान जिला के हुसैनगंज प्रखंड में। यहाँ पे मौजूद है भावी मुखिया प्रत्याशी, से हम परिचय जानना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। राम बाबू यादव जी, ग्राम पंचायत रसखंडा जी जी, प्रखंड हुसैनगंज जी जी। अभी आपके पंचायत में चुनाव लड़ने की क्या उद्देश्य है? पंचायत में चुनाव लड़ने की भय भूख भ्रष्टाचार जी जी, बेरोजगारी जी, ये सब मुद्दा है जी जी, जो बहुत लचक व्यवस्था पंचायत का है जी जी, उसी के संकल्प लिए हम लोग हैं जी जी, अच्छे अच्छे विकास की पंचायत में काम हो जी जी जी। भावी जो मुखिया पंचायत के हैं जी जी, 5 साल भ्रष्टाचार निहित है जी जी, गली नली नल जल योजना है, गली नली योजना है, हर योजना विफल है। आज हमारे पंचायत में 1400 वार्ड है, 14 वार्ड आज नल जल के टूटी में कहीं कागज लगा है जी जी, कहीं पाइप फटा है जी जी जी, तो कहीं पुल गिरा है जी जी जी, सब ध्वस्त पड़ा हुआ है। रोड रास्ता की स्थिति ठीक ठाक नहीं है जी। हम लोग जीत कर आएंगे यदि पंचायत में अपने जी जी, तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा पर काम करेंगे जी जी जी। अब राजबाबू पंचायत में हम लोग मुखिया बन करके आएंगे तो शिक्षा जो काम करने के जो हम बोल रहे हैं जी जी, वो अपने स्तर से प्रयास करेंगे जी जी, कि हर गरीब के बच्चा को स्कूल तक पहुंचाने का प्रयास होगा। तो हम क्या बन करके आएंगे, जीत करके आएंगे जी जी, तो मनरेगा योजना से, नरेगा योजना से जो हमारे पंचायत में काम चल रहा है जी जी, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को, मजदूरों को उसमें रोजगार देने के प्रयास किया जाएगा जी जी जी, रोजगार धंधा से जोड़ा जाएगा जी जी, कि जिससे गरीबी दूर हो, लोगों के धंधा मिले। आपके पंचायत में क्या आपके राशन कार्ड की गरीबों के स्थिति क्या है? राशन कार्ड की स्थिति हमारे पंचायत में जहाँ तक है, बहुत सारे परिवार है जो गरीब परिवार है, राशन कार्ड से वंचित है। हम लोग प्रयास करेंगे कि हम चुनाव करके आ रहे हैं जी, हर गरीब को उस चीज से जोड़ने की कोशिश करेंगे जी जी। अभी आपके पंचायत में इंदिरा आवास की स्थिति क्या है? इंदिरा आवास की स्थिति है कि भ्रष्टाचार चरम पर है पंचायत में जी जी, दलालों की लपट में है जी जी, अगर किसी गरीब को आवास दिया जा रहा है तो दलाली मांगा जा रहा है जी जी, दलालों के चंगुल से पंचायत को मुक्त कराएंगे और गरीबों निस्वार्थ जी जी, इंदिरा आवास योजना का जी जी, जो एटी है दिया जाए जी जी। क्या आपके पंचायत में वृद्धा पेंशन की स्थिति क्या है? वृद्धा पेंशन की हमारे पंचायत में लगभग अभी 30% पार कर गए हैं जी जी, लेकिन हम लोगों के प्रयास से, बहुत हम लोग प्रयास किए हैं जी जी, अपने स्तर से जी, मुखिया के छोट अलावा हम लोग काफ़ी प्रयास किए। हम लोग मैंने एक समाज सेवी लोग हैं, हमेशा समाज से जुड़ने की कोशिश आदमी करता है जी, गरीबों को जाने की कोशिश करता है जी जी, उसके तहत हम लोग काफ़ी प्रयास कर करके अपने प्रयास से भी वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत, काफ़ी मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत काफ़ी गरीब लोगों को नाम जुड़वाने की कोशिश किया गया, जुड़ा भी है जी जी। और आने के बाद से ये प्रयास रहेगा कि पूरे पंचायत के जी जी, हर घर के सर्वे करा कर जी जी, अपने स्तर से जी, एक एक वंचित लोगों को जी जी, वृद्धावस्था पेंशन से जी जी जोड़ने की कोशिश किया है। अभी कोरोना जैसा महामारी बीमारी को अपने पंचायत में किस तरह लोगों के प्रति आपने सुझाव देने का काम किया है? हम लोग कोरोना की इस महामारी में पूरे देश जूझ रहा है जी, उसी तरह हमारे पंचायत भी जूझ रहा है, जिला भी जूझ रहा है, प्रदेश भी जूझ रहा है जी जी। हम लोग अपने पंचायत में जो अपने लोग हैं जी, पंचायत के लोगों से, हर व्यक्ति से जी, हमेशा आदमी प्रयास करें कि सोशल डिस्टेंसिंग के लोग पालन करें जी जी, मास्क के प्रयोग करें जी जी, सब माने भीड़ भाड़ में न जाए जी जी, बच करके लोग रहें जी जी। इसका एक ही मूल मंत्र है कि जो बचेगा वही अच्छा रहेगा, कोशिश करें जनता के। क्या लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा,
एराइज न्यूज में जनता के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं? एराइज न्यूज में जनता से संदेश यही देना चाहते हैं कि किसी भी पंचायत से कोई भी प्रतिनिधि चुन करके आए, जनता के प्रति समर्पित रहे, जनता के हित में सोचे, जनता के हित में काम करे। वही जनता मालिक होती है, वही अगर अच्छे से कोई काम नहीं करेगा प्रतिनिधि जो जीत करके आएगा, कल जनता रोड की रास्ता दिखला देगी। इसलिए जनता के हित में हमेशा हर गरीबों के दुख सुख में हमेशा साथ रहने की कोशिश करें।